फरीहा हसीब और आप देख रहे हैं ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल HD। कराची के इलाके मेन रीगल पर जानू चाय वाले की इफ्तिताह कर दी गई। यहाँ की चाय स्ट्रॉन्ग और चाय का टेस्ट बहुत ही उम्दा है। चली है यहाँ पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ के ऑनर से हमने बात की, उनका कहना है कि मेरा नाम एहसन वाइन है, इस रेस्टोरेंट का नाम जानू चाय वाला है, मैं इनके एक ओनर्स में से एक हूँ। हमारी ऑलरेडी एक ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है जिसकी आज ओपनिंग है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम मजीद ब्रांचेस खोलेंगे। सदर की जो ये ब्रांच हमने ओपनिंग की एक विंटेज बिल्डिंग में मेन रीगल के ऊपर जो कि वाक़ है, आप देख रहे हैं जिस तरह के हमारे कप्स हैं पुराने। ये जो आइडिया था जानू चाय वाला का, वो पुरानी हेरिटेज जो कराची की सौगात है उसको वापस जगाने का था। चाय का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल चाय थी वो एक तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, उसको हम वापस से लेकर आए हैं। और हमारे पास वो तमाम जो आइटम्स होते थे खाने के, स्नैक्स के, जो चाय पे चलते, जैसे बाकर खानी है या कराची की जो बन कबाब और मस्का बन था, वो तमाम चीज़ों को हम फिर से लेके आए हैं एक नए ट्रेंड के साथ। ओल्ड हेरिटेज को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, सेम टाइम जो कराची की जो कल्चरल चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम मज़ीद ब्रांचेस खोलेंगे। मेरा मैसेज यूथ के लिए ये है कि हम पिछले कई सालों में हमारी जो यूथ है वो काफ़ी चीज़ों में इन हो चुकी है, लेकिन जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो स्ट्रीट फूड का कराची शहर का ख़ास तौर पे, वो ख़त्म होता जा रहा था, हम उसको वापस से जगा रहे हैं। और इंस्टेड के वो यूथ जो है वो ड्रग्स या नशों में या नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जाए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप शाम के टाइम पे अपनी फैमिलीज़ के साथ आके हमारे इस तरह के रेस्टोरेंट्स को विज़िट करें। हमारे जो आइटम्स हैं वो प्योरली इंग्रेडिएंट्स के साथ बने हुए हैं, देसी चीज़ों का खास इस्तेमाल है, तो इनका इस्तेमाल करें, आपकी हेल्थ भी अच्छा करेगा और आपका मूड भी अच्छा करेगा ये इंशाल्लाह। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनका कहना है कि ये आज मैं मौजूद हूँ जानू चाय वाले की तरफ, ठीक है। जानू चाय वाला दे हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। और सेकेंडली ये कि यहाँ पे इनके जो दे आर द पायनियर ऑफ द गुड़ पराठा, ये काफ़ी एक पुराना कॉन्सेप्ट था जो कि ये वापस लेके आए हैं। इट इज़ वेरी डिलिशियस और इनकी जो द टेस्ट ऑफ द फूड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और चाय इनकी जो दूध पत्ती है वो वाकई में एक चाय है, पी के पता चलता है कि कुछ दूध पत्ती है। आज उसका सदा हुआ है, हद से ज़्यादा चाय अच्छी थी। आलू का पराठा है, पिज़्ज़ा पराठा है। इंशाल्लाह ताला ये होटल लोग देखेंगे आते जाते, ये होटल बहुत चलेगा। एक दफ़ा की कोई भी चाय अगर पी ले आके, उसके बाद दोबारा ज़रूर आएगा। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज, मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.triplesky1newshd.web.com। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फरिया हसीब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।